वेलकम टू नैनास चैनल। तो गाइस आज हम लोग बनाने वाले हैं भिंडी गोश्त। तो आज हम लोग नैना को बोलने देंगे, हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा। तो भिंडी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिए भिंडी, जिसे हम लोग कट कर लेंगे। आज आप लोग मेरे साथ बहुत इंजॉय करेंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और ये रेसिपी भी बहुत टेस्टफुल है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस भिंडी की सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला कवर उतार लेंगे। गाइस इसे आप लोगों ने बहुत केयरफुली कट करना है, अगर आप लोगों के फिंगर पे लग जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ब्लड निकलेगा, इसीलिए आप इसे केयरफुली कट करें। ये देखिए इस तरह हम लोग इसे कट कर रहे हैं, बहुत नीटनेस से आप लोगों ने इसे कट करना है। सारी लेडी फिंगर्स हम लोग कट करते हैं, देन फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। गाइस हम लोग इसे चॉप करी जा रहे हैं, आप बताएं किस किस को लेडी फिंगर्स अच्छी लगती हैं और कौन कौन अपनी समर वेकेशंस इंजॉय कर रहा है। तो अब हम लोग ये टोमेटो कट करने लगे हैं। आप लोग मुझे बताएं कि टोमेटो फ्रूट होता है या वेजिटेबल, किस किस को टोमेटो सलाद में अच्छा लगता है कमेंट करें। इसको हम लोग इस तरह से चॉप कर लेंगे। गाइस आप लोगों को मेरे साथ मज़ा आ रहा है, आप सब इंजॉय कर रहे हैं। अनियन को हम लोगों ने पील कर लिया है और अब हम लोग इसे कट करने लगे हैं। इसे भी आप लोगों ने बहुत केयरफुली कट करना है और अनियन कट करते वक्त किसके आइज़ में आंसू आते हैं वो जल्दी से कमेंट करें। गाइस कौन कौन सलाद में ग्रीन चिली खाता है? ग्रीन चिली बहुत स्पाइसी होती है, कोई चाइल्डहुड ना खाया करे। इसे अब हम लोग चॉप करेंगे, इसके बिटवीन में हम लोग कट देंगे, इसे इस तरह ही रहने देंगे। गाइस ये हम लोगों ने सब वेजिटेबल्स कट कर दी हैं, अनियन टोमेटो एंड ग्रीन चिली। आप लोग भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से कट कीजिएगा। गाइस एक पैन के अंदर हम लोग ऑयल डाल देंगे, आज हमारे भिंडी चिकन बहुत ही स्पाइसी बनने वाला है, बहुत यमी बनने वाला है। देन हम लोग इसके अंदर कट किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड कर देंगे, किस किस को लेग पीस और फ्राई चिकन पसंद है। गाइस ये मेरी नीस ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, ये कहती है समर वेकेशन में मैं बोर होती हूँ, मैं भी आपके साथ किचन में कुकिंग में हेल्प करवाऊँगी। अब इसमें हमने ना 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। तो गाइस देख लिए आप नैना पे क्या कर रही हैं, और हम लोगों ने अब इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लिया है और इसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और बहुत टेस्टी भी लग रहा है। गाइस इसके अंदर हम लोग अब अपनी ग्रीन चिली ऐड करेंगे एंड टोमेटोज ऐड करेंगे। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और मेरा फ़न किस तरह का लग रहा है? अब इसके अंदर हम लोग ड्राई पाउडर्स ऐड करेंगे। आनी अब आप बताएं। थैंक गॉड आपने मुझे बोलने की मौका दिया। ये हमने 1 टीस्पून है नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून है ये पिसा हुआ धनिया, ये इसमें शामिल करते हैं और इसकी बहुत ही अच्छे से बुनाई कर लेते हैं। गाइस हम लोग आपके साथ अपने बिहाइंड द सीन्स भी शेयर करेंगे। आज गाइस मैं और आनी बहुत ज़्यादा फन भी कर रहे हैं और बहुत कुकिंग भी कर रहे हैं। आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को हमारे
फन, हमारी मस्ती किस तरह की लग रही है और हमारी रेसिपी किस तरह की लग रही है। ये तो मुझे बहुत यम्मी लग रही है। देखिए, एक पैन में ना 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया। अब इसमें भिंडी शामिल करते हैं। इसको ना 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। गाइस, आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको हमारा ये फन व्लॉगिंग रेसिपीज अच्छी लगती है या सिंपल कुकिंग। आप हमें ना गाइड कीजिएगा कमेंट करके। गाइस, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और जो हमारी लेडी फिंगर्स हैं उसे हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसे हम लोगों ने हल्का सा फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी लुक दे रही है। मुझे तो आने भूख लगी है, कब खाना बनेगा? मुझे भी 2 मिनट में हम मोच पाती हूँ। आनी, आपको मेरे साथ कुकिंग करके कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हमारा ये सारा झटपट सा काम हो रहा है। गाइस, आप बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे साथ कुकिंग करके। गाइस, हम लोग अपनी रोटी को इस तरह बना रहे हैं, देन हम लोग इसे प्लेन पैन के ऊपर बनाएंगे। गाइस, हम लोग अपनी फ्लैट ब्रेड को एक प्लेन पैन के ऊपर डाल देंगे ताकि ये हमारी कुक हो सके। और ये देखें कितनी क्यूट है। इसके अब हम लोग साइड चेंज कर लेंगे और ये देखें ये साइड साइड से ब्राउन भी होनी शुरू हो गई है। गाइस, इसे हम लोग इस तरह से फायर के ऊपर कर लेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए इसकी कितनी ब्यूटीफुल लुक आई है। अब हम लोग अपनी सेकंड फ्लैट ब्रेड इसके ऊपर डाल देंगे। आनिया, आप ये फ्लैट ब्रेड इस तरह किस तरह कर लेती हैं? इसको साइड चेंज कर लेती हैं विदाउट पैन के? जी, ऐसे करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो गाइस, अब हम लोग इसके अंदर एक सिल्वर की कटोरी रख देंगे और इसके अंदर हम लोग कोयले रखेंगे ताकि उसकी स्मोक से इसका वंडरफुल टेस्ट हो जाए। इतना अच्छा इसका टेस्ट होगा, इतना अच्छा इसका फ्लेवर होगा, स्मोकी स्मोकी, और ये बहुत मज़े का बनेगा। ये बहुत डिलीशियस होगा। आप भी इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइस, इसका अब हम लोगों ने कैप उतार दिया है और अब हम लोग अपनी कटोरी को इसके अंदर से बाहर निकाल देंगे। देखें इसका बहुत वंडरफुल टेस्ट हो गया है। देखिए गाइस, आज का हमारा लंच रेडी है। रेसिपी का और आज के व्लॉग का हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।